हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैना सिंह। देखिए, मैं अपने गुरु पंडित जी को पहले भाईंदर आके वो बच्ची को चुनरी दे दी, जो मैंने कहा था कि मुझे चुनरी देनी थी। चुनरी देकर अब मैं निकल चुकी हूँ अपनी बाके के यहाँ के लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रुकावट डाली, कोशिश बहुत की, लेकिन कहते हैं ना कि बाका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। हर बार ऐसे होता है, जब भी मैं बाके घर जाने लगती हूँ तो बहुत सारे लोग रास्ता रोकते हैं। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने अड़चन डाला। मैं ना हमेशा सबका ख्याल रखती हूँ, सबको सोचती हूँ कि खाने पीने पहनने ओढ़ने हर चीज़ से उन लोगों को सुख सुविधा दूँ, लेकिन सब लोगों को ना कहते ना हजम नहीं होता है, खाना खाने नहीं आते, ऐसी हरकत करते हैं, जानबूझ के झगड़ा लगवाना, ये करना। मैं तो बोलती हूँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए नंगे पैर यहाँ वहाँ मंदिर वंदिर सब जगह भटकती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। जितने लोगों को इतना अकड़ है ना लोगों के बीच में अड़चन डालने का, तो एक काम करो, तुम लोगों को तो भगवान ने कुछ गुण सहूर दिया नहीं है, तो तुम इतना काम करो, इतना ही घमंड और इतना एटीट्यूड तो जाने का ना, खटे का काम करके अपने लोगों का खर्चा और पानी उठाने का, पता चलेगा। नखरे करना बहुत ईजी है, बहुत से सारी चीज़ें करना बहुत ईजी है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के काम में रुकावट डालना कोई सीखे तो तुम लोग से सीखे। क्यों? क्योंकि तुम लोग को ये डर लगता है कि हमने जो अभी तक गलत काम किया अब हमको उसकी सज़ा मिलने वाली है। तो एक बात तो पक्की है, मेरा रास्ता तो कभी किसी ने रोक पाया नहीं, ना रोक पाएंगे। अभी जो मैं गुरु को भी बोल के निकली हूँ, मेरे गुरु ने भी कहा है कि तू जा। अभी देखो, मैं अपने सब गुरुओं के पास ही जा रही हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है, सारे गुरु का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। अभी मेरे गुरु ने भी कहा है कि तू निकल, बाकी लोगों को मैं देखते हैं, इन लोगों को कैसा चर्बी है, इन लोगों को हम सब लोग मेन टाइम पर काम आते हैं ना, तो इन लोगों को उस चीज़ का नखरा है। जब इन लोग पर मुसीबत आती है तब इन लोगों के परिवार अपने कोई दिखाई नहीं देते, तब सब भाग जाते हैं मुँह छुपा के इधर उधर, क्योंकि तब पैसा खर्चा करना पड़ता है ना। लेकिन जब हाँ जेब में पैसे भरे रहेंगे और जब सब कुछ पड़ा रहेगा तो बरोबर आके मस्काबाजी करेंगे। ऐसी बात है, 600 रुपए की बोतल पे बिकने वाले, दारू पे बिकने वाले लोग इतने हरामी होते हैं कि अगर इनका बस चले ना तो अपनी घर की माँ बहनों को भी दे देंगे उठा के, ये लो लेके जाओ, ऐसे हरामी के जने। तो कोई बात नहीं, ये दिवाली मैं आपको क्या बोल रही, तुम लोगों ने मेरा बाग के आकर जाने का रास्ता रोकने की जो कोशिश की है ना, उसकी सज़ा ये मिलेगी कि आने वाली दिवाली तुम लोगों की इतनी ख़राब जाएगी, अगर तुम्हारे घर में दिए जलाने के लिए पैसे मिल गए ना तो मेरा नाम बदल देना। मैं तो ऐसी भी, मैं भी कुछ लोगों को देती हूँ, लेकिन मैंने कसम खाई है कि इस बार तुम्हारी दिवाली ऐसे ख़राब करूँगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड और ये घमंड है। जहाँ पर भी तुम लोग नौकरी धंधा पानी कुछ करते रहोगे, कहीं पे से तुमको बोनस मिलता रहेगा या कहीं नौकरी करते रहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, एक रुपये की आवक नहीं आएगी। इतनी गंदी दिवाली तो शायद तुम्हारी किसी साल की नहीं गिरेगी, ये मेरा वादा है। और अभी तो मैं बाकिया पहुंच रही हूँ, पहले कल मेलड़ी माँ के यहाँ पहुँचूँगी, परसों बाकिया पहुँचूँगी। उतने बीच में जो तुम्हारे साथ 72 घंटे के अंदर होने वाला है उसके लिए तैयार रहो, फिर ज़िंदगी भर तुम लोग छूट जाओगे, किसी के पीछे नहीं लगोगे। तुम लोग ना हमेशा एक काम करते हो, हमेशा विद्या देवी की कमज़ोरी पर पैर रखने की कोशिश करते हो, जो कि मेरी कोई कमज़ोरी नहीं, कि तुम भूल जाते हो कि अगर मेरी कोई कमज़ोरी है, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा पूजा, मेरी बा, मेरी कमज़ोरी, तो तुम्हारी भी कोई कमज़ोरी होगी। बच्चा कमज़ोरी होगा, भाई कमज़ोरी होगा, बाप कमज़ोरी होगा, है ना, माँ कमज़ोरी होगी, कोई तो होगा ना। भाई तुझ आ रहा है ना, इस बार भाई तुझ मना के देखना, अगर नहीं मैंने तुम लोग के भाई को भी, तुम लोग के भाई को हॉस्पिटल पहुँचाया ना तो मेरा नाम बदल देना। ये तुम्हारी चर्बी ना पूरी ऊपर से बाहर तक निकलेगी, इतना घमंड और इतना एटीट्यूड रहे ना, तो सेल्फ कहते ना सेल्फ डिफेंस रहने का, मैं कैसे सेल्फ डिफेंस हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अब इतना जो बात करती हूँ ना, अपने बात करने का मेरा एक तरीका है, क्योंकि मैं अपने बल पे मेहनत करके आगे बढ़ती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने कितनी बार क्या कहा, जहाँ विद्या देवी है वहाँ पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ विद्या देवी नहीं है। मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं महीनों भर बाहर होटल में भी रहूँ ना, तो मेरे पास उतना पैसा रहता है कि मैं आराम से रह सकती हूँ, लेकिन तुम जैसों को कोई ईमान धर्म नहीं है। तुम लोग सिर्फ दूसरों के घर में कैसे झगड़ा लगाना है, कैसे आग लगाना है, कैसे इन लोगों के घर में तोड़ ताड़ी करना है, है ना, वैसे करेंगे। लेकिन जहाँ देखेंगे कि जेब में पैसा आया ये आया, फिर कैसे तुम लोग तलवे चाटने में भी मजबूर हो जाते हो, तुम जैसे लोग की वैसी आदत है। और अगर मैंने तुम्हारा दिवाली नहीं बिगाड़ा, नहीं हाथ पैर तोड़ के घर में बिठाया, तो मेरा नाम बदल देना। वैसे दिवाली तो देखो तुम्हारा क्या हाल होते हैं, बस वेट एंड वॉच। ठीक है, जय माता दी।